सारांश में आपका हार्दिक स्वागत। आइए जानें, किसी भी देवता के पूजन या उपासना से पहले किए जाने वाले ध्यान के बारे में। हम इसकी शुरुआत करते हैं भगवान शिव के ध्यान से। इस ध्यान से संबंधित यह श्लोक आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आइए इसका अर्थ जानें। और अर्थ जानने के बाद जब आप इस श्लोक का उच्चारण करेंगे, इसका गान करेंगे, अर्थ के सहित गान करेंगे, तब आपको अनुभव होगा कि आपके मानसिक स्थिरता के ऊपर इसका कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे भगवान शिव आपके हृदय में विराजमान है। यह श्लोक है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव अकेले नहीं बल्कि शक्ति के साथ मेरे हृदय में विराजमान हूं। शिव और शक्ति का यह संगम जहां शांति देता है, वहीं अक्षय प्रेम का भी प्रतीक है, क्योंकि शिव ने अनेक जन्मों तक एक मात्र सती के साथ ही विवाह किया। कर्पूर गौरव, कपूर की तरह जिनका रंग गोरा है, अर्थात हमारी उस मान्यता के थोड़ा सा विपरीत जिसमें हम भगवान शिव को मानते हैं कि वो तमो गुण के देवता है, लेकिन कर्पूर गौरम बताता है कि वो कपूर की तरह गोरे हैं, सफेद। सफेद शुभ्र, यह रंग सतुगुण का प्रतीक है। यहां भगवान शिव की प्रतिमा या उनका प्रतीक सत्वगुण के रूप में है। करुणावतारम, करुणा का अर्थ होता है प्रेम, करुणा का मतलब होता है कृपा, करुणा का मतलब होता है ऐसी वर्षा जो अकारण होती है, वहां पर किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार सूर्य सब पर समान रूप से अपनी किरणों की वृष्टि करता है, इसी प्रकार भगवान शिव चाहे वो सुर हो या असुर हो, सब पर एक समान करुणा करते हैं, अर्थात अपनी कृपा बरसाते हैं। संसार सारम, वे समस्त संसार का सार है। सार का अर्थ कारण भी है और सार का अर्थ निचोड़ भी है। निचोड़ किस रूप में? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य भी भगवान शिव है, शिव अर्थात कल्याणकारी भी भगवान शिव है, और सुंदरम नाम रूपात्मक ये जो सौंदर्य है जो प्रत्येक क्षण बदल रहा है, ये भी शिव का ही सौंदर्य है। तो करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हार, वह जो भुजगेंद्र, भुजगेंद्र का मतलब वासुकी, उसको अपने गले में उन्होंने धारण किया हुआ है, ये वासुकी प्रतीक है काल का, अर्थात काल भी उनका आभूषण है, मृत्यु भी उनका आभूषण है, क्योंकि मृत्यु एक तरफ भय देती है लेकिन मृत्यु में समाविष्ट है नया जीवन, नवजीवन देने वाले हैं भगवान शिव। पुराने शरीर को छीन लेते हैं और नया शरीर दे देते हैं, इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। सदा वसंतम हृदयारविंदे, हृदय रूपी जो कमल है उसमें जो सदैव विराजमान है, आप उसके बारे में जाने या न जाने, लेकिन वो सदैव आपके हृदय में रहते हैं। ऐसे हृदय में रहने वाले उस भगवान शिव को हम माँ उमा या पार्वती के साथ प्रणाम करते हैं। ये ध्यान है भगवान शिव का, और इस ध्यान को करने के बाद जब आप उपासना करते हैं, जब आप पूजन करते हैं, तो आप पाते हैं कि आप किसी दूसरे ही लोक में हैं। यह लोक जिसको हम मृत्यु लोक बोलते हैं, यह लोक ही हमारे लिए शिवलोक बन जाता है। आप लोग इसी प्रकार समस्त देवताओं के ध्यान को अपने स्मरण में करते हुए
याद करते हुए और उनकी उपासना करें। शिव का यह ध्यान यहीं पर अपनी पूर्णता को लेता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।